यूक्रेन से तकरार, फिर भी रूस दे रहा है भारत को ब्रह्मास्त्र। युद्ध के बीच पुतिन ने निभाई दोस्ती, भारत पहुंचेगी S-400 की तीसरी खेप। भारत को लेकर रूस के इस कदम से अमेरिका हुआ बेदम। भारत के S-400 से पाकिस्तान में भगदड़, बोला लगता है डर। भारत रूस की यारी से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं, लेकिन ये दोनों मित्र देश दोस्ती को लगातार मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ भारत बिना किसी डर के रूस से तेल खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ रूस है जो दिन रात भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब इस दोस्ती को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन रुकिए, रूस ने फिर भारत के लिए वो कर दिखाया जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने भारत को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दे दिया है। ये गिफ्ट है S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसकी तीसरी खेप भारत पहुंचने वाली है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस की मिसाइलें आग उगल रही हैं, तो पश्चिम के देश रूस पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद वो अगले महीने S-400 की तीसरी खेप भारत को भेजना शुरू कर देगा। अब तक भारत को तय शेड्यूल के हिसाब से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट मिल चुकी हैं, जिनकी तैनाती भी पूरी की जा चुकी है। रूस के S-400 वायु रक्षक प्रणाली के तीसरे ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के लिए डिलीवरी अगले महीने भारत आना शुरू हो जाएगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक S-400 के लिए पार्ट्स नवंबर में रूस से भारत पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी तक रूस भारत को 2 S-400 स्क्वाड्रन दे चुका है। इसी साल फरवरी में यूक्रेन के साथ संघर्ष होने के बाद रूस ने दूसरा स्क्वाड्रन भारत भेजा था। पहले S-400 स्क्वाड्रन को LAC के संवेदनशील इलाके के पास नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात किया गया, जबकि एक यूनिट पंजाब में लगाई गई। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसकी माने तो S-400 की तीसरा स्क्वाड्रन राजस्थान के पास तैनात किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दुनिया के बड़े से बड़े देश भी आग गड़ाए हुए हैं भारत की इस बेहतरीन S-400 मिसाइल पर। दरअसल इसमें इतनी खूबियां हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, सभी को इस मिसाइल को जानने में, पाने में पूरी दिलचस्पी है। तो बताते हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार सकती है, जिससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जो टारगेट को भेदने में माहिर है। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों, यहाँ तक कि छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है। इसकी मदद से रडार में पकड़ में न आने वाली विमानों को भी मार गिराया जा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। खैर, इसमें कोई दोराय नहीं है कि भारत रूस की दोस्ती काफी मजबूत है, और शायद इसी दोस्ती की वजह से पिछली सदी के आखिरी दशक तक रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है।